मिले, हम तो कहेंगे आयुष जी को कि अभी आप ये अपना सम्मेलन कर लीजिए। गला काट देंगे मनोज झा का। ऐसा है कि राघवेंद्र जी बहुत होशमंद समझदार आदमी हैं, हमको लगता है कि होश में तो वो ऐसा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बार फिर बड़ी बात कह दी है। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि अत्यंत और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और ऐसे मिलेगा तो जो लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं हैं वो आ जाएंगी इस दायरे में। उन्होंने साफ साफ कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके दौरान ही उन्होंने कई सारी अन्य बातों को भी कहा। और क्या कुछ कह रहे हैं हम, जो राजद का कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, पहले आप वो सुनिए। अब वरना महिला के नाम पर तीनों कॉल वाली बेस्टिक वाली या बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हम पर हुकूक मिले। हम तो कहेंगे अरविंद जी को कि अभी आप ये अपना सम्मेलन कर दीजिए, अब बाद में ज्यादा नहीं 200 ना तो मैक्सिमम 500 बिहार का अत्यंत पिछड़ा खरगोश का चुनिंदा लोगों का एक वर्कशॉप, और उस वर्कशॉप में डिफरेंट विषय पर परिचर्चा हो और उसको गांव तक पहुंचाएगा। खन्ना जी अजो जी संविधान सुधारना चाहिए, संविधान अगर सुधरेगा आपका आरक्षण जाएगा, आपका हम हुकूक जाएगा, आपका बहुत हद तक बहुतों का वोट का अधिकार जाएगा, जैसे पहले वोट का अधिकार मिला था उसको ग्रेजुएट गरीब का बेटा पढ़ता था, ग्रेजुएट पूरा जिला में 5 लोग ग्रेजुएट मिल जाता बहुत। तो इस चार पक्ष अब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और भाषण देते हैं उस पर अमल नहीं, मगर क्या है कि अगर तुमको अत्यंत पिछड़ा को एकत्रित करना है, एकजुट करना है, प्रतिष्ठित करना है तो उसको शिक्षित और विकसित करना जरूरी है। और शिक्षित और विकसित सिर्फ सर्टिफिकेट वाला नहीं, शिक्षित अधिकृत आपको इतना बड़ी तादाद में जो यहाँ कार्यकर्ता आए, अगर ये शिक्षित और विकसित हो जाए तो कोई माई का लाल मुजफ्फरपुर में आपको हरा नहीं सकता। अगर यहाँ आए तो भाषण दिए चले गए, कुछ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, उसको भूख लगी हुई थी वगैरह वगैरह, अगर बहुत लोग यहाँ बैठे रहे तो अब अगर आप अत्यंत पिछड़ा का संगठन बनाया जिसका सम्मेलन करते हैं तो हम नहीं कहते कि जैसे उन्होंने किया वैसे आप कीजिए। हम तो अगर मेरा चले तो हम कहें कि कम से कम 1 साल टीवी या चैनल देखना बंद कर, 1 साल टीवी या चैनल देखना बंद कर दो तब तुम्हारा दिमाग अपना काम करेगा, अपना दिमाग काम करेगा। और जब टीवी या चैनल देखते रहोगे और उसमें ही भी बोल फेसबुक फन्ना फन्ना क्या क्या देखता है जाहिलों का जमात, और उसमें आपको कहेगा ए बाबा देखना वहां कहीं पहले सोशल मीडिया और टीवी बोलते हैं, टीवी के चक्कर में रहिएगा तो कभी ना आपको
संस्था मिलेगी, न कभी आपका राजपाट बनेगा। टीवी वाले जो भाई आते हैं उनको विनम्र भाई आपको जो देना दीजिए, मगर नमक नीचे मत लगाइए। हमने जो बोला मगर बेचारे को क्या करें, तो नौकरी करते उनका मालिक मोदी जी का सब वही है। तो एक हम नहीं मानते कि सब लोग प्राण ले लेगा, मगर कुछ जो समाजवादी है पुराना से लेकर वो कसम खाए कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक टीवी का पैसा टीवी नहीं है, इसे क्या बिगड़ जाएगा, आपका खाना बंद हो जाएगा, आपका विचार लोगों के बीच नहीं जाएगा। तो ये जो अत्यंत पिछड़ा का जो सम्मेलन है, भाई अरविंद साहनी धीरे धीरे घूम रहे हैं, अनिल साहनी जी भी साथे जा रहे हैं और लोग संभाले, हाँ भाई लाल महतो जी पूरा से नहीं भी जाते हैं। तो आपने सुना कि राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा। राजद के सीनियर लीडर है, महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं आ जाएंगी, ऐसे में पिछड़ा और अति पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कई अन्य बातों को भी कहा है और इंडिया एनडीए को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव स्टूडियोज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।